Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Now we are going to discuss distributivity of multiplication over addition. That is, अगर मान लीजिए एक example लेते हैं हम, 2 × 4 + 6. तो एक तरीका है, हमने इस property को लिख सकते हैं 2 × 4 + 2 × 6. दैट इज अगर हम इसको दोनों को सॉल्व करें तो 2 × 4 + 6 होता है 10, तो ये आ गया 20. और इस तरह से सॉल्व करें 2 × 4 + 2 × 6, दैट इज 4 × 8 + 12, दैट इज ऑल्सो 20. सो इससे हमें पता चलता है कि 2 × 4 + 6 इज इक्वल टू 2 × 4 + 2 × 6. दैट इज इसको लिख सकते हैं, अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लिखें, a × b + c = a × b + a × c. if a, b, c आर होल नंबर्स. Let's consider this example. Find 12 × 35 using distributivity. तो इसको करने का एक तरीका है, क्योंकि हमें distributive property use करनी है, तो अगर हमें अपनी calculation basically easy करनी है तो हम 35 को लिख सकते हैं 30 + 5, right? तो अब ये क्या हो गया, a × b + c. property क्या होती है, a × b + c = a × b + a × c, राइट? तो a यहाँ पे हमारा क्या है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12. b क्या है हमारा 30. a यहाँ पे क्या है 12 और c क्या है हमारा 5. तो अब क्या होगा, ये हमें पता है 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और 0 एज इट इज आ जाएगा. 12 × 5 जो हमें पता ही है क्या होता है, 60. तो यह है हमारा 420. Easy. Let's consider some more example. 15 × 68. हम अब इसे कोशिश करेंगे कि हम 68 को इसको ऐसे ब्रेक करें कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो इसमें या तो 10s के फॉर्म में कर लो, 20s के फॉर्म में कर लो, 100s के में कर लो, 1000s के में कर लो. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 68 × 15 लिख सकते हैं, राइट? बताइए कैसे, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? और 68 को हम लिख सकते हैं 10 + 5. अभी हमारा क्या हो गया, a × b + c. तो क्या हो जाएगा, 68 × 10 + 68 × 5. ये तो हमें सिंपल दिख ही रहा है, 680 होता है, ठीक है? ये 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 40. अब इसे ऐड करेंगे, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 1 गया कैरी, 6 + 4 कितना हो गया 10, 1020 आंसर. इससे आपने देखा कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई. कंसीडर अनदर एग्जांपल, दैट इज 17 × 23. तो अब इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम 17 × 23 को 20 + 3 में करें, 20 से भी इजी है कैलकुलेशन करना. तो a × b + c प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो ये हो गया हमारा 17 × 20 + 17 × 3. तो ये क्या हो गया, 7 × 2 = 14, यहाँ पे 1 कैरी गया, 2 × 1 = 2, 3, 3 = 40. यहाँ पे हो गया 7 × 3 = 21, 2 कैरी गया, 3 × 1 = 3 + 2 = 5. तो ये हो गया आपका 5 + 4 = 9, 391 आंसर. कैलकुलेशन ईजी हो गई. अब देखिए ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 126 × 55 + 126 × 45. तो आप इसमें देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, a, b,
अगेन ए, और ये एक और वेरिएबल है सी लिख लेते हैं इसे, तो हम इसे लिख रहे हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और हमें पता है ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी के इक्वल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट, तो हम ए की जगह क्या लिख देंगे 126, इंटू बी क्या है हमारा 55 और सी क्या है हमारा 45। हमें पता है इन दोनों को प्लस करके 100 आएगा और ये 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12600। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 69 78 22 69। अगेन तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और इसको सी ले लेते हैं, ये अगेन ए हो गया तो हमारा क्या दे रखा है, ये फिर से प्रॉपर्टी लिखेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा ये बन जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, ए क्या है हमारा यहाँ पर 69 इंटू बी प्लस सी दैट इज 78 प्लस 22, ठीक है हो गया 2 प्लस 8 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 100 इंटू 69, तो ये हो गया हमारा 6900। तो ये थे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एग्जांपल्स। आपको अगर कोई भी क्वेरी है या आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी।